किसी भी इसको ग्रेड रूल लाइब्रेरी से ग्रेड रूल इस्तेमाल करके ग्रेड करने के लिए ओपन ग्रेड रूल लाइब्रेरी पर क्लिक करें, फिर अपनी फाइल चुनें और किसी ग्रेड पॉइंट को चुनें, फिर उस पॉइंट के लिए रूल ढूंढें और अप्लाई रूल बटन पर क्लिक करें। अब हमारे पास पॉइंट नंबर एक और फिर रूल का नाम है। अब हम पॉइंट नंबर दो चुनेंगे और स्वीप के लिए रूल ढूंढकर अप्लाई करेंगे। फिर हम चेस्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इसके लिए चेस्ट रूल देखेंगे और रूल अप्लाई करेंगे। यह रूल मिड आर्म के लिए है, यह शोल्डर के लिए और सबसे आखिर में नेक के लिए। तो आप इस प्रकार पॉइंट चुनेंगे, रूल ढूंढेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे। ग्रेड रूल बनाने के लिए न्यू ग्रेड रूल आइकन पर क्लिक करें, फिर फिक्स्ड रूल ऑप्शन चुनें, फिर बेस से एक साइज अप के लिए वैल्यू डालें। यहाँ हम 3/8 इंच डाल रहे हैं और इसका नाम 100 देते हैं, फिर ओके करें। अब हमारी रूल लाइब्रेरी में हमारे पास रूल 100 है। ध्यान दें कि पॉजिटिव 3/8 इंच लार्ज साइज के लिए है और सभी साइजेस के लिए बराबर ग्रेडिंग की है। आप इसमें हर साइज के लिए अलग अलग ग्रेडिंग क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। एक पॉइंट या कई पॉइंट्स पर एक साथ ग्रेड रूल अप्लाई करने के लिए पॉइंट्स चुनें और अप्लाई रूल पर क्लिक करें। किसी ग्रेड रूल को एक साइड से दूसरी साइड कॉपी करने के लिए ग्रेड पॉइंट पर क्लिक करें और फिर ग्रेडिंग टेबल में कॉपी ग्रेडिंग पर क्लिक करें। फिर जहां आपको ग्रेडिंग पेस्ट करनी है वह पॉइंट चुनें और फिर पेस्ट ग्रेडिंग चुनें। अब यहां पर इस वैल्यू में y वैल्यू ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है कि y वैल्यू यहां पर फ्लिप हो गई है।